हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चौथा एपिसोड मुंबई की। तो आज मैं बताने वाला हूं कि मुंबई में आप आ रहे हैं, अगर एक महीना रहिएगा तो आपका खाना का कितना होगा, रूम भाड़ा पूरा, मतलब टोटल खर्चा आपका कितना पड़ेगा। बहुत लोग कमेंट करता है, बहुत लोग हमारे इंस्टाग्राम पे जाकर पूछता है कि भाई एक महीने का खर्चा कितना पड़ता है मुंबई में रहने का। तो चलिए आज वही बताने वाला हूँ कि कितना खर्चा आप लोग को पड़ेगा। A few moments later. तो सबसे पहले अभी बता दूं कि मैं अभी आया हूं भाई शूटिंग पर से, और देख सकते हो रात हो चुका है काफी, मतलब लगभग 11:30 हो चुका है, और ये है नाइट का नजारा देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जैसा रूम में रहते हैं वैसा तो आपको रूम किराया लगेगा। उसके बाद में आप किस हिसाब से खाना खाते हैं, नॉन वेज होता है, वेजिटेरियन एक होता है कि नॉन वेज लोग खाता है, एक होता है कि वेज खाता है, तो खाने पे आपका डिपेंड करता है। उसके बाद में रूम भाड़ा, अगर आप लोग लेटरिन बाथरूम वाला रूम में रहते हो और गोरे गांव से लेके अंधेरी मतलब बोरीवली के आगे रहते हो, तो उस हिसाब से आपका रूम भाड़ा रहेगा लगभग 5,000 के ऊपर ही में ही रहेगा। और दो आदमी तीन आदमी रहेंगे तो 2,000 रुपया रूम का वहीं समझ लीजिए, मात्र 2,000 रुपया रूम का समझ लीजिए, शेयरिंग करके रहिएगा तो। और उसके बाद में खाना का ज़्यादा नहीं आता है भाई, मैं काफ़ी दिनों से मुंबई में रहता हूँ तो हमको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ खाना का भी ज़्यादा नहीं आता है। 1500 मतलब समझ लीजिए खाना का आता है 2,000, तो उसमें तीनों आदमी चार आदमी मिला खा सकते हो। तो क्या है कि हम लोग शूटिंग लाइन में रहते हैं, शूटिंग पे जाते हैं, इसलिए हम लोग का खाना वहाँ भी हो जाता है, तो कभी कभी खाना नहीं बनाते हैं क्योंकि रात में वहाँ जब 10 बजे के बाद पैकअप होता है तो खाना मिलता है, और जिस दिन कम टाइम में पैकअप हो गया 8 बजे 9 बजे तो उस दिन आके हम लोग खाना बनाते हैं, जो कि अभी आके खाना बना चुके हैं देख सकते हैं, और अभी नहा वहा के रेडी हो गए हैं। तो ये खाना वाना सब लेके आपका खाना का हो गया, रूम का हो गया, ये दोनों मिला के आप लोग समझ सकते हैं 1500 खाना का मान लीजिए, 2,000 रूम का मान लीजिए, दोनों मिला के हो गया आपका 3,500 रुपया। उसके बाद में आपका ट्रेवलिंग का हुआ, तो आप जिस हिसाब से काम करते हैं, जितना दूर काम करते हैं, तो यहाँ ट्रेवलिंग काफ़ी सस्ता है भाई, काफ़ी सस्ता है, क्योंकि 5 रुपये में बस चलता है, मैं एक वीडियो में पहले भी बताया हूँ, और यहाँ से बस भी मिल जाएगा आपको, जहाँ जाना है वहाँ का बस भी मिल जाएगा आपको, लोकल ट्रेन भी मिल जाएगा, मेट्रो भी मिल जाएगा, तो काफ़ी यहाँ पे मुंबई में सस्ता है ये सब चीज़, तो आपका ट्रेवलिंग में भी ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। तो टोटल मिला के आपका महीने का अगर समझ लीजिए तो 4,000 हो गया, 4,500 हो गया, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा एक महीने का। अगर आप नए हैं तो आपका ज़्यादा खर्चा आएगा, क्योंकि आपको यहाँ का रूट मालूम नहीं है, कहाँ बस स्टॉप है ये सब चीज़ मालूम नहीं है, तो आप थोड़ा फंस सकते हैं। लेकिन जो तेज दिमाग वाला रहता है भाई पूछ के चलता है, क्योंकि मैं जिस टाइम आया था उस टाइम भाई मैं भी अनजान था, तो मैं भी पूछ के जाता था, तो काफ़ी आपका पैसा बचेगा अगर किसी से आप सलाह लेंगे पूछ के जाएंगे तो। और ये है मतलब मुंबई की खर्चा। उसके बाद में आप लोग अगर सिंगल रूम में रहते हैं जिसमें लेटरिन बाथरूम नहीं रहता है और उसमें 2-4 आदमी रहते हैं, तो उसमें काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा भाई, 1,000 रुपया रूम भाड़ा लग जाता है, 4,000-3,000 में रूम मिल जाता है बिना लेटरिन बाथरूम वाला। लेकिन उसमें क्या होता है कि छोटा रूम रहेगा, लेटरिन बाथरूम नहीं रहेगा, यहाँ पे जो सरकारी बाथरूम रहता है उसमें जाना पड़ता है, तो वहाँ पे आप जाओगे तो लाइन में लगा रहता है, डब्बा लेके जाइए या लाइन में लगा रहिए, तो वहाँ पे जाके आपको लेटरिन बाथरूम करना पड़ेगा। सिंगल रूम रहेगा उसमें आप लोग 3-4 आदमी 5 आदमी जितना आदमी रहे हो रह सकते हो। मुंबई में काफ़ी लोग रहता है यार, मैं भी पहले रहता था 7-7 आदमी से 6-6 आदमी से भाई, वो मैं वीडियो बनाऊंगा, एक रूम है उसका जो पहले मैं रहता था, वो बहुत जल्द वीडियो दूंगा उसका कि अभी वो रूम कैसा है और किस हिसाब से है, वो वीडियो में बताऊंगा। तो ये है कि सिंगल रूम में आप लोग रहोगे तो उसमें रूम भाड़ा काफ़ी सस्ता आएगा, सीधा 1,000 समझ लीजिए, 1,000 से ज़्यादा भाड़ा नहीं आएगा, 1,000 भाड़ा आएगा, और खाना का वही 1,500 के करीब समझ लीजिए, तो बस इसमें हो गया 2,500-3,000 रुपये में आपका एक महीना खर्चा चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि काम का, तो यार बहुत लोग हमारे पास में कमेंट करता है कि जय भाई मैं मुंबई में आ गया हूँ, काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, तो भाई मैं खुद ही बिजी इंसान हूँ, आप लोग देखते हो ना वीडियो कितना दूर दिन पे आता है, मेरा एक चैलेंज था कि 20 एपिसोड मैं करूँगा लगातार एक एक दिन पे डालूंगा, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है, तो रात में इतना रात के देख सकते हैं मैं वीडियो बना रहा हूँ वो भी आप लोग के लिए। तो दोस्तों हमारा 6ठा जो एपिसोड आएगा उसमें आएगा कि आप लोग मुंबई में आए हैं तो आप लोग काम कैसे खोजिए, काम कहाँ पर खोजिए, जॉब कहाँ पे खोजे, उसके बाद में फिल्म लाइन में अगर काम करना चाहते हैं तो कहाँ जाके आप लोग पूछे, ये सब चीज़ जानकारी दूंगा 6ठा एपिसोड में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, आप लोग का जो भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट कीजिए, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू दोस्तों।